नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में राकेश। खबर वैशाली से आई है। वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र के खरौना पंचायत के वार्ड नंबर 10 में रास्ते के जमीन को उखाड़ जाने के विवाद को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लालगंज थाने की पुलिस ने पहुंचकर मामले को किसी तरह शांत कराया और दोनों पक्षों को जमीन से संबंधित कागजात लेकर थाने पर आकर विवाद को सुलझाने की बात बताई। खरौना पंचायत के जगन्नाथ पसंद स्थित वार्ड नंबर 10 में शनिवार की दोपहर रास्ते की ईंट उखाड़े जाने को लेकर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और देखते देखते मौके पर सैकड़ों ग्रामीण जुट गए। सूचना मिलते ही लालगंज थाना के गश्त पुलिस समेत एसआई सुनील कुमार ने पहुंचकर मामले को किसी तरह रफा दफा करवाया और लॉकडाउन का पालन करने का निर्देश देते हुए दोनों पक्षों को संबंधित कागजात थाने पर लाकर मामले को सुलझाने की बात कही, तब जाकर मामला शांत हुआ। क्या मामला है? यह मामला था, ये पीसीसी रोड है, रोड के बगल में जो है कुछ ईटा लगाया हुआ था। कुछ लोगों का कहना था कि यह सरकारी ईटा है और एक आदमी जो है कवारे हैं उसको। ठीक है, को है उनका नाम सुनील कुमार सिंह। हम लोग यहाँ आए, उनको समझा करके बोल दिए कि ईटा जैसे है वैसे रहने दीजिए। ठीक है, अगर यह सरकारी है या नहीं है ये मुझे अभी पता नहीं। क्या मामला क्या है? मामला ये पीसीसी रोड का मामला है। कहाँ का मामला है? ये जगन्नाथ बसंत का है। ठीक है ना, तो ये हमको भी कंफर्म नहीं है कि हाँ वो पीसीसी वहाँ का मतलब ईटा लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था। तत्काल हम दोनों आदमी को समझा दिए हैं कि जो जैसे स्थिति है वैसे रहने दीजिए, आप लोग अपना कागज लेकर के थाने पर आइए, वीडियो साहब से मिलिए, सीओ साहब से मिलिए, जो सच्चाई होगी उसके अनुरूप जो है कार्य किया जाएगा। कितना नंबर वार्ड की कितना है? वार्ड नंबर 10 नंबर है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पीएसआई सुनील कुमार, लालगंज से हूँ। तो वैशाली की एक खबर थी जहां पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बताते चले कि हालांकि मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को किसी तरह शांत करवाया। नेशन भारत आपसे अपील करता है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और लॉकडाउन में विवाद होने से बचे, साथ ही अगर विवाद होता भी है तो उसे निपटा ले, आपस में निपटाएं, क्योंकि इससे सोशल डिस्टेंस की धज्जियां रहेगी। इससे आप संक्रमण के खतरे को कह सकते हैं कि उसके नज़दीक जाएंगे, जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए ऐसे विवादों से दूर रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहें नेशनल भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।